Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukkhavad bhavet, loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. पहले आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा सलाम। आज हम यात्रा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल मैंने बताया यात्रा के बारे में और न्यूज़पेपर में अखबार में छप गए हैं और अपने आप तो नोटिस देखे ही होंगे और मेरे से 10 गुना बड़ा पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है, तो उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा। बस इतना बोलूँ कि हम कन्याकुमारी से 12 जनवरी को निकले और 2016 अप्रैल में हम श्रीनगर पहुँचेंगे, यह हमारा उद्देश्य है। तो 500 दिन में यहाँ अभी 255 दिन हो गए हैं, तो आधा तो हो चुका है, अभी आगे सामना है। जैसा बोलते हैं वो भगवान की कृपा या इंशाअल्लाह से हो जाता है, दोनों चीज़ एक है, नाम बदल गया। 3000 साल पहले ऋग्वेद में एक बात कही गई, आज सत्संग है यात्रा के बारे में रखी, ये आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, वो भी एक तरह की यात्रा है। मुझे लगता है मुख्य यात्रा वही होना चाहिए, फिर बाकी जो अनुभव होगा वो बाहरी कारखानों में रिफ्लेक्ट होगा। तो कहा गया ऋग्वेद में, अच्छा से सुन लीजिए, संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है भारतवर्ष की। कई लोग ऐसे हैं कि जो भाषा बदल जाती है कोई धर्म से जोड़ देते हैं, बोलते हैं ये हमें नहीं सुनना है। ऐसा नहीं है, संस्कृत बड़ी पुरानी भाषा है, इसमें साइंस भी लिखा गया है। कालिदास के कविता तो आप पढ़े होंगे कभी, आजकल ट्रांसलेशन में मिलते हैं, और अच्छे अच्छे मंत्र लिखे गए हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो चाहिए पूरा उसमें लिखा गया है। तो ऋग्वेद में कहा गया एकम सत, जिसको हिंदी मालूम है समझ जाएंगे, एकम सत विप्रा बहुधा वेदन्ति, मतलब सत्य एक है और विप्र लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ऐसा कहा गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, 3000 साल पहले कहा गया। इसके बारे में एक बहुत पुरानी कथा है जो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत जैन धर्म से हुई थी, बहुत पुराना है। वहाँ से फिर श्री रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद को तो सब जानते हैं, स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी भी बहुत पसंददार कहानी थी ये। इसका ओरिजिन मैंने पीछे जाके देखा तो जैन धर्म में पहले बार कहा गया, और टर्की में एक बहुत बड़े सूफी थे जिनका नाम था मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मजनवी करके लिखे हैं, उसमें भी ये कथा आ गई है। जिसका मतलब है कि ये कथा सुन के सब लोग समझते हैं कि ये क्या है, हर मानव के लिए एक कथा है। इसमें धार्मिक मैसेज भी है, सोसाइटी का मैसेज भी है, सब कुछ है। तो इसको मैं पहले आपको कहानी सुनाता हूँ। ये है कि तीन अंधे जिनको आँख नहीं दिख रही थी एक हाथी को देखने गए। अंधे हाथी को देखने गए कि हाथी क्या चीज़ है, तो एक ने हाथी के पैर को छुआ और बोला कि हाथी का पैर, हाथी जो है
वो एक बड़ा सा वो पिलर को क्या बोलते खम्बा जैसा। और मेरी हिंदी कभी कभी, हम दक्षिण भारत से हैं तो मलयालम तमिल तेलुगु सब बोल लेते हैं, संस्कृत का थोड़ा बैकग्राउंड है इसलिए हिंदी बोल सकता हूँ। तो एक खम्बा जैसा है, कभी कभी हिलता है और सब लोग कहते हैं कि ज़्यादा पास नहीं रहना क्योंकि खम्बा आपके सर पे भी पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा, उसके सुंड पे हाथ रखे, ऐसे छू के देखा ऊपर से नीचे तक और बोला हाथी जो चीज़ है एक होस रबर का होस जैसा है, कभी हिलता है, चमड़ी जैसा थोड़ा है उसका टेक्सचर और कभी कभी फुस फुस का आवाज़ उसमें से निकलता है, ऐसा उसने हाथी का डेफिनेशन बनाया। तीसरा आदमी उसका दुम पकड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती का ये बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। दूसरा, दुम पकड़ा और बोला कि वो एक झाड़ू जैसी चीज़ है हाथी, कभी कभी हिलती है और ज़्यादा पास जाओ तो मुँह पे लगेगी, ऐसा उसने कहा। अब ये तीनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि हाथी का डेफिनेशन क्या है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो एक दूसरे के ऊपर बैठ के जब गला घोट रहा था, हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो एक आदमी वहाँ पहुँचा जो देख सकता था, जिसके आँख थे, तो उसने पूछा कि झगड़ा किस बात का हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, हाथी ये है वो है। उन्होंने कहा आप इसको बंद करके बैठिए, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, मगर आप तीनों जो बोल रहे हैं पूरा ठीक सत्य नहीं है। वो है जो हाथी जो हम बोल रहे हैं वो आप लोगों के डेफिनेशन से भी बहुत बड़ी चीज़ है, विकसित चीज़ है, इसको हम अपने अपने तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो जो है उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए वेदों में उसको परब्रह्म के नाम से बोला गया। परब्रह्म का मतलब है जिसको हम डेफिनेशन से पकड़ नहीं सकते, मगर जो भी जैसे भी अप्रोच करेगा ऐसे ही पाएगा। मगर वो जो चीज़ हमारी क्यों, इसलिए कि हमारा जो छोटा भेजा जो है वो ऐसी इतनी बड़ी इन्फिनिट चीज़ को पकड़ नहीं सकता है। अपने पंच इंद्रियों से काम करने वाला जो भेजा है, जो मन है, वो ऐसी चीज़ को जो परम है और सर्वव्यापी है उसको पकड़ नहीं सकता है, डिफाइन नहीं कर सकता है। अब अगर सर्वव्यापी है तो हर जगह में होना चाहिए, ऐसी जगह नहीं हो सकती है जो वहाँ नहीं है। हर जगह में है तो हम कैसे उसके पास जाएंगे, कोई चीज़ दूर है तो हम जा सकते हैं, यहीं है तो कैसे पहुँचे। तो इसके बारे में मैं कबीर दास की, हमारे प्रहलाद जी नहीं आए क्या, टिपानिया जी चले गए नहीं, कबीर दास की, कबीर दास का एक दोहा है जिसमें उन्होंने इस बात के बारे में बड़ी अच्छी तरह समझाया। वो कहने के पहले मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हर आदमी संसार में कोई भी हो एक चीज़ ढूंढता है, हर आदमी संसार में एक चीज़ ढूंढता है। क्या ढूंढता है बताइए, किसके पीछे चलता है हर आदमी, किसको ढूंढता है। तो हर आदमी संसार में, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, एक चीज़ ढूंढता है।
वो क्या है, आप लोगों को सब मालूम है, सुख ढूंढता है। ऐसा कोई नहीं जो सुख नहीं ढूंढता है, है क्या? जो आत्महत्या कर लेता है वो भी सुखी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये दुख बस हो गया, अभी हमें इसको बंद करना है। जो दुख बंद करने का जो सोचता है वो सुखी ढूंढ रहा है, समझता है कि मरने के बाद कुछ सुख शांति मिल जाए, मैं इसको सह नहीं सकता हूँ। हर आदमी इसको ढूंढता है, मगर आप देखिए, ढूंढते हैं हम जिसको, वो हमारे हाथ में मिलता है क्या? सोच लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिलता है, 10 मिनट के लिए मिलता है, ये 1 साल के लिए मिलता, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर ढूंढने लगते हैं, नहीं तो सारी ज़िंदगी ही बंद हो जाएगी, कोई ढूंढेगा ही नहीं सुख को, तो क्या होगा? जो चल रहा है जगत, इसका मतलब है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, इसलिए और भी काम कर रहे हैं उसके लिए। छोटी बात देखिए आप, हमारे पास एक 10 या 15 लाख का कुछ बैंक बैलेंस हो जाए तो कोई लोग सोचते हैं अभी सुख हो गया, हम तो शांत हैं, खुशी हैं, मगर उसको थोड़े दिन जाने दीजिए, फिर मन में ये सोचाएगा और 10 लाख रहा तो अच्छा होगा, फिर बोलेंगे करोड़ से खुशी मिलेगी, ये करोड़ से नहीं मिलेगी, कोई चीज़ से नहीं मिलेगी। आखिर तक जब हम रेस्ट करते हैं इस भूमि में, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। ढूंढते हैं मगर वो सुख जो हम ढूंढते हैं, वो आनंद जिसको वेदों में अनंतम आनंदम ब्रह्मा करके कहा गया है, वो नहीं, अनंत आनंद जिसका अंत नहीं है, ढूंढते रहते। अब ये देखिए, एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हुए हैं, उसके पास कुछ नहीं है, भिक्षा पात्र रख के फकीर बैठा हुआ है। लोग लाइन लगाते हैं, मर्सिडीज़ में आते हैं, BMW में आते हैं, उसको करते हैं, क्या मांग रहे हैं उससे, उसके पास तो कुछ है नहीं, क्या मांग, क्या दे सकता है? डंडी स्वामी बैठते हैं, खाली हाथ में डंडी है और कुछ है नहीं उनका, क्या मांगते हैं वहाँ जाके? एक और एक कहानी इसके बीच में मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि कहानी से बहुत चीज़ क्लियर हो जाती है जो बात अदर दूसरे तरीके से नहीं होती है। जैसे भागवत तो पूरे कथा है, मगर सुनते सुनते जो वेदांत में सबसे बड़ी चीज़ है वो समझ में आ जाती है। ऐसे ही पटियाला में एक महाराज थे, जो वहाँ के महाराज थे, बाद में उनको तपस्वी जी महाराज का नाम दिया गया, योगी बन गए थे। तो उन्होंने, उनको लगा कि पटियाला का जो लिमिट है उसको थोड़ा बड़ा कर दें, पटियाला और एक्सपेंशन बना दें। तो वो ज़माने में ऐसे कोई भी कार्यक्रम करना है तो दिल्ली में जाके वो जो मुग़ल चक्रवर्ती थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था। तो वो गए रेड फोर्ट में, बहादुर शाह जाफ़र आखिरी मुग़ल चक्रवर्ती वहाँ थे, उनके पास गए और बोले कि ऐसा ऐसा है, मैं पटियाला का बॉर्डर और विकसित करना चाहता हूँ, पहले आपका परमिशन, दूसरा आपकी सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएगा, मगर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो खिड़की से बाहर देखो, वो पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, तो उसका जो फकीरी है वही फकीरी उसका फ़खर है। इसने कहा अल फ़खरु फ़खरी, मतलब मेरी फकीरी मेरा फ़खर है मेरा। तो वो बैठा हुआ है नीचे,
और आप उसकी शक्ल देखो, उसकी सूरत पर देखो और फिर मुझे देखो और बताओ कि वो जो फ़कीर बैठा हुआ है इस फटे कपड़े पहन के, खुशी उसके उसके मुख पर है कि हमारे मुख पर है? इसको देखो पहले, किसके मुख में शांति और सुख दिख रहा है, मेरे या उसके? इसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में सोच के वापस आइए, सब हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब महाराज हैं, खुशी जो है सब अनुभव कर लिए हैं, अब क्या रहा उनको, तो वहाँ से चले गए, मगर वापस पटियाला नहीं गए, सीधा हरिद्वार चले गए। हरिद्वार से उन्होंने पता नहीं कहाँ गया, कहीं उनको एक गुरु मिले हिमालय में, गुरु का उपदेश लिया और फिर किसी को पता नहीं कहाँ है। बहुत दिन उन्होंने इनकी इनको वेट किया तो आए नहीं वापस, तो उनके भाई महाराज बने पटियाला के। तो बहुत साल के बाद तब के पटियाला के महाराज साहब जो उनके छोटे भाई थे, वो बद्रीनाथ की यात्रा में निकले, बद्री जाने की। वो रास्ते में ऋषिकेश में किसने कहा कि वो लक्ष्मण झूला में गुफा है, वहाँ एक बहुत बड़े योगी महाराज बैठे हैं, आप उनसे, दीदी आपको हमने नहीं देखा, अभी देखा भाई, नमस्कार। तो उन्होंने कहा कि गुफा के अंदर एक योगी जी बैठे हुए हैं, आप उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेके चलिए, क्योंकि बद्रीनाथ जा रहे हो, अभी ये ज़माने में भी मुश्किल की यात्रा है, वो ज़माने में आप सोच लीजिए कैसा है, तो ये आप आशीर्वाद ले लो, अच्छा रहेगा, आपकी यात्रा ठीक होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो गुफा गए तो योगी जी बैठे हुए हैं, जटाधारी हैं, लंबी दाढ़ी है, तो इन्होंने प्रणाम किया कि बोला महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने बोला तथास्तु, ऐसे हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। आवाज़ सुना, महाराज ने आवाज़ सुना तो ये तो मेरे बड़े भाई की आवाज़ है, देखने से पता नहीं चलता है, दाढ़ी है, सर में जट, और फिर उन्होंने आँख में देखा तो उनको समझ में आया कि ये वही हैं हमारे भाई जो बहुत सालों से गायब हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे वापस पटियाला आइए, आप वापस नहीं आए, गायब हो गए इसलिए मैंने राजा बना, आप वापस आइए। उन्होंने कहा देखो तुम जब यहाँ आके प्रणाम किया, क्या बुलाया मुझे, क्या बोला? उन्होंने कहा महाराज बोलो, है ना, अब मैं सारे संसार का महाराज हूँ, अब तुम्हारे पटियाला में कहाँ जाऊँगा। ऐसा क्या है कि वो जो सुख हम ढूंढते हैं वो अपने हृदय के अंदर रहस्य में ढूंढ निकाल लिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे तपस्या करने ऐसे नहीं है, हर आदमी को समझना चाहिए कि जो सर्वव्यापी भगवान ईश्वर या खुदा कुछ भी कहें, उसका एक अंश हर आदमी के हृदय में होता है, उसको हम आत्मा कहते हैं, और सूफी लोग उसको नूर कहते हैं, वो होता है। हर खुशी पूरा सुख अनंतम आनंदम जो बोलते हैं वो उसके अंदर ही है, वो उसका गुण ही है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तब ही आदमी को शांति मिलती है, मेरा अनुभव है, ये मैं थियरी नहीं बोल रहा हूँ आपसे। तब कबीर दास ने कहा कि जैसा उत्तरकाशी हिमालय में एक तरह का मृग होता है, उसको कस्तूरी मृग कहते हैं, कस्तूरी मृग के दुम के नीचे एक छोटा सा पाउच होता है, उसके अंदर कस्तूरी होता है, मस्क। अब एक सीज़न में
कस्तूरी बनता है, बड़ी सुगंध होती है, इतनी सुगंध होती है कि हवा में वो सुगंध फैलती है। ये जो मृग है ये नहीं जानता है ये कहाँ से आ रही है, हर जगह ढूंढता फिरता है कि इसका सोर्स कहाँ है, नहीं जानता है कि मेरे दुम के नीचे से आ रही है। कबीरदास ने कहा मनुष्य की हालत भी यही है, जो अंदर है उसको बाहर ढूंढता है, जब अंदर वो मिल जाए तो बाहर सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है, ऐसा मत समझिए कि ये कोई सन्यासी योगी के लिए ही है, ऐसा नहीं है। पहले समझना चाहिए कि इसका सोर्स हमारे अंदर है, और फिर जो भी साधना हो, ध्यान हो, जप हो, भक्ति हो, सब इसमें पहुंचने का मार्ग है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, बच्चा जैसे हैं, वो सुख हमें नहीं मिला तो बहुत आवाज़ बहुत करते हैं मगर वो नहीं मिलता, क्यों? वो अंदर है। तो यही है वेदांत का, सूफी टीचिंग्स का, सब का एसेंस यही है और कुछ नहीं है। तो अगर ये सब आदमी के हृदय में हो तो दो चीज़ चाहिए, दो काम करना पड़ता है, एक साधना, आत्मनो मोक्षार्थ, आत्म का मोक्ष ढूंढना, जगत हिताय च, जगत का हित करना। जगत का हित करने से ही मन शुद्ध होगा, जिसके मन में कृपा, प्यार, सद्भावना, शांति ये नहीं होता है, ये कोई सेवा नहीं कर सकता है। सेवा करता है तो अपने लिए सेवा करता है, और जो सेवा करता है थोड़े ही दिनों में उसका मन ऐसा शुद्ध हो जाता है कि वो फिर ध्यान भी कर सकता है। दोनों लिंक्ड है, दोनों मिलकर करना। भगवद गीता में एक अध्याय है, 12वां अध्याय, उसको भक्ति योग कहते हैं। उस अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा योगी कौन है, आपके हिसाब, मतलब आप कहें तो मैं उसको 100% एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए कि सबसे बड़ा योगी या सबसे बड़ा भगत कौन है। तो कहते हैं कि वो मेरी आराधना कैसा करता है वो अलग बात है, कैसा भी करने दो, करता है ठीक है, मगर उसको दो तीन गुण होना चाहिए, एक गुण जिसमें है उसको मैं सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा भगत कहता हूँ। तो क्या गुण है? तीन गुण वो बताते हैं। मुझे लगता है कि सब संसार में जितने भी हम मनुष्य हैं सबको एप्लीकेबल है, ऐसे नहीं कह के इन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए नहीं, कोई भी योगी या महान या वली और कुछ भी बनना चाहता है उसके लिए तीन गुणों की बड़ी ज़रूरत है, नहीं है तो नहीं रहेगा। कपड़े कुछ भी पहन सकते हैं अलग अलग किस्म से मगर नहीं होता है, वो क्या है? पहला पॉइंट है समनियाम इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना जो सीखेगा उसको हम योगी कहते हैं। कर कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने कह रहा हूँ गीता से है, समझो कोई नई चीज़ नहीं है, मैं कुछ इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ। समनियाम इंद्रिय ग्रामम, जो इंद्रियों को जमा कर रख सकता है, जिसके हाथ में इंद्रियों, जो मन को इंद्रियों, नॉर्मली क्या होता है कि इंद्रिय जो कहते हैं मन भी उसी तरफ चला जाता है, योगी जो होता है वो इंद्रियों को मन से कंट्रोल करता है, मन जो बोलता है वो सुनते हैं। अब क्रोध जो होता है वो भी इंद्रियों का ही असर है, क्रोध
तो इंद्रियों को अपने, इसका मतलब नहीं है कि इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं है, मगर मन जो बोलेगा वो इंद्रिय करेगा, सिवाय मन इंद्रियों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये एक, जैसा कि हमें लगेगा कि एक दिन में 5-10 बार कुछ खा लें ऐसा लगेगा, मगर हमें अच्छी तरह मालूम है कि अच्छा नहीं है शरीर के लिए। योगी ऐसा है कि बोलता है कि मैं एक बार खाऊंगा। इंद्रिय में क्या है कि अभी वो कुछ देखते हैं कि तो आशा होती है, मगर उसको कंट्रोल करके रखेगा, ये योगी है। और दूसरा गुण उन्होंने बताया, दूसरा क्वालिफिकेशन, सर्वत्र समबुद्धया, मतलब कोई भी सिचुएशन में सुख हो या दुख, शीतोष्ण सुख दुखेषु, ठंडा हो या गर्म, क्लाइमेट कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा कह रहे हैं कोई या स्तुति कर रहे हैं, ये दोनों सिस्टम में, दोनों ऑपोजिट्स में जो मन को एक ही जगह पे स्थित रख सकता है वही बहुत बड़ा योगी है, ऐसा उन्होंने कहा। का मतलब क्या है कि आप देख लीजिए, हम जिंदगी में ऐसा ही है कि कोई बोल रहा है कि हम, आप बड़े आदमी हो, आप योगी हो, आप महान हो, आप, तो क्या होता है, बड़ी खुशी होती है, समझते हैं हाँ सच हो सकता है, हम तो योगी ही हैं। अब ऐसा हो जाता है कभी 100 दिन कोई हर रोज़ कहेगा कि आप भगवान हैं, तो सुबह में उठते कभी समझ में आए कि हो सकता है कि मैं भगवान ही हूँ, ऐसा समझ लेते हैं। आजकल तो भगवान बहुत हो गए हैं, तो जो निंदा करते हैं, सॉरी, जो स्तुति करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हम ऐसे क्लाउड 9 में रहते हैं। अगर कोई निंदा करे तब क्या होता है, गुस्सा आता है। बाबा जी मुझे कहते थे कि अगर कोई तुझे बुद्धू बोले तो गुस्सा क्यों आता है, जाके देख आईनक में, बुद्धू हो सकता है। तो निंदा, सच में असल में निंदा स्तुति से अच्छी चीज़ है, क्योंकि निंदा से हमें कभी कभी इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कोई गलती हो सकती है मेरी, मैं ऐसा हो सकता हूँ, तो अच्छा है वो निंदा जो है वो स्तुति से अच्छा है। तो लोग मुझे ज़्यादा स्तुति करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया बच के रहना चाहिए। लता मंगेशकर की एक गाना है पुराना, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा, तो बच के रहें। जो निंदा करता है वो कभी कभी हमें दिखाता है कि तुम गलती कर रहे हो, भैया सामने चलो आगे, अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है। तो आजकल कैसा है कि निंदा के ऊपर हम इतने स्तुति के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि निंदा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजिस्ट, क्या, डिप्रेशन हो जाता है। आज मेडिकल शॉप में सबसे ज़्यादा दवा डिप्रेशन की बिकती है। तो मन को स्थित रखना दुख में या सुख में, कभी दुख छोटा सा आ जाता है तो हम उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, क्या करते हैं फिर, टीवी देखने बैठ जाते हैं, इसको भूल जाओ, यानी क्या करते हैं, ऐसे लोग हैं जो इश्क के मैखाने में चले जाते हैं। किसी ने कहा जामे फना वो बेखुदी अब तो पिया ऐसा पी। तो जब दुख को आमने सामने देखेंगे तब समझ में आएगा कि इससे कैसे डील कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी को भगवान कृष्ण ने कहा, उसको मैं बहुत बड़ा योगी और भगत समझता हूँ, जिसका मन ऐसा स्थित हो जाता है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और तीसरा
तीसरा गुण क्वालिटी उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज़ है सर्वभूत हिते रथा, हर जीवों के हित के बारे में जो सोचता है उसको मैं सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा भगत समझता हूँ। तो ये तीनों जितना हमसे हो सका उतना प्रयत्न करें, ऐसा नहीं कि 100% हो जाएगा, जितना हमें हो सका उतना प्रयत्न इस डायरेक्शन में आप करने लगेंगे और हर रोज़ कुछ ना कुछ साधना आप करेंगे, भगवान का आराधना करें या इबादत करें या कुछ भी बोलें, तो थोड़े ही दिनों में मन में शांति पैदा हो जाएगी। अब वो मन की शांति जो होगी वो कहीं बाहर मिलने वाली चीज़ नहीं, ये मेरा अनुभव है, आइसक्रीम में भी नहीं मिलता है। तो जब वो होता है तो अंदर से एक प्रेरणा होती है कि कुछ करो, ये प्रेरणा से ही हम इस पदयात्रा में निकले। ऐसा तो मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा ही कैरेक्टर ऐसा है कि मैं एकांत में रहे आराम से। मगर क्या हो रहा है, हर रोज़ सौओं से लोगों को मिल रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर जो शांति है, सद्भावना है और प्यार है, इसको मैं लोगों से बांटना चाहता हूँ। इस बांटने में किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हर आदमी एक है, तो ये इसको हम मानव एकता कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब धर्म एक, ऐसा नहीं है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म है, ये एक नहीं हो सकता। मगर इसका मतलब नहीं कि हम मानव नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं, मिल के रह सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो इसको लेकर हम चल रहे हैं और जहाँ भी जिसको भी मिलते हैं हम उनको सुनाते हैं कि भैया ये मेरा अनुभव है, आप भी हमारे साथ मिल के आइए, से क्या होगा, सब लोग शांति से रह सकेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आपसे इसके बारे में। सो अभी इतना कह दिया तो दो मिनट के लिए आँख बंद करके हम थोड़ा सा हृदय के अंदर ध्यान करें। एक बड़ी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आँख बंद करके ये जो है इसको अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय कहते हैं, उसके अंदर संकल्प कीजिए कि एक चिराग जलाया गया है या कोई नूर चमक रहा है, आँख बंद करके उस पर ध्यान कीजिए चुपचाप बैठकर। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।